चिराग पासवान तो दावा कर रहे हैं हम यहाँ से जीतेंगे। लमटेन छा जीतेगा। कोई भी पार्टी का सरकार जो है ना अकेला बनने नहीं जा रहा है। चचा के रिटायर करूँ, बहुत दिन रहा थी चचा, बर्बाद कर देते हैं। दारू बंद करे के उनका की रीजन है? पहले बेरोजगार के रोजगारी भूख के व्यवस्था कर दिया थी ना। इनसे बड़ा बड़ा स्टेट है ना, इनसे बड़ा बड़ा स्टेट है, कहाँ दारू बंद किए हुए? आज के डेट में दारू वाइन सब खोल के नहीं बिक रहा है, समझे ना, होम डिलीवरी हो रहा है, मिल जाता है। पहले लोग दुकान फोन कीजिए, आप कहाँ है तो यहाँ पे है बस। एक एक ट्रक यूपी से पास हो जाता है, पिकअप से पास हो जाता है पूरा दारू, एक एक ट्रक। हाँ, और प्रशासन कुछ नहीं कर पाता है। आपको पता चल जाता है? पता तो हर आदमी को, हर जनता को पता है। ये पलटू चाचा को इतना दिमाग कोई अफसर दिया होगा, जो उतना आईएएस अफसर जो बैठ करके वहाँ सजेशन जो देते हैं, वो अफसर भी पीता है। आसपास में कितना का घर बना है सरकार के द्वारा? देख रहे हैं ना, गरीब नहीं है तो क्या है, हम कोनो अथी पर बैठे हुए हैं? नहीं, उनको लगेगा कि ये 1000 रुपए वाला गंजी है। रोजगार दे दिए सब, पूरा रोजगार दे दिए अपना से कि कहने जोग नहीं। हाँ, अरे बाप रे बाप, बैठ बैठ के खा रहा है आदमी, अब भूखे मर रहा है। इस बार कह रहे हैं कि 400 पार, मतलब 400 सांसद बनेंगे इस बार। अरे बाप, ऐसा बात ना होने वाला है, ना होने वाला, बात नहीं होने, असंभव बात है। रोड बन गया, आम जनता के लिए फायदा है, ठीक है, तो हर राज्य में है ना, लेकिन हम भूखे मर जाते हैं, रोड बनने से क्या फायदा है? उनका तो नामो लेना मुझे पूछिए कि मैंने महाबेकार है। किसका? पखाना करने वक्त भी नाम नहीं लेते हैं नीतीश बाबू। कहा है ऐसा? ना ना, पलटूराम है, पलटूराम। क्या नाम हो भैया? अमोद कुमार। क्या देख रहे हैं आजीपुर लोकसभा क्षेत्र में मौजूदा सांसद ने कितना काम किया है पशुपति पारस? इस बार लमटेन छाप जीतेगा। कौन छाप? लमटेन छाप। लालटेन छाप। क्या ऐसा देख पा रहे जो लालटेन छाप पे भरोसा? सब जगह, पूरे जगह आती है कि लमटेन छाप हम जीतेगा। चिराग पासवान तो दावा कर रहे हैं हम यहाँ से जीतेंगे। लमटेन छाप जीतेगा, लालटेन छाप जीतेगा जी। दारू नहीं चालू हो रहा है, बोलिए ना। विकास के मुद्दे देख पा रहे हैं? क्या देख रहे हैं? क्या हुआ, क्या देख के करके हैं कि हां वोट करेंगे लालटेन छाप को? क्या मुद्दा है जिसको लेकर के आप वोट करेंगे लालटेन छाप को? वो लालटेन छाप जीतेगा, दारू चालू होगा। दारू चालू? दारू चालू कर रहा है? ये किसने कह दिया आपसे? वो सब जो पूरे जनता कह रहा है, यही जनता कह रहा है। चार दा पकड़वे किए हैं, चार दा। चलिए और भी हम लोग से बात कर ले। क्या चाचा भाग, ए क्या नाम है? ना ना ना, नहीं नहीं, नाम बोले बहुत सारे लोग बोलने से भी कतराते हैं। देखिए इलेक्शन का क्या है, सब लोग का, ड्राइवर लोग का यही है कि दारू चालू हो, दारू चालू सोचे इस पर, दारू चालू करें। और आप लोगों के लिए कानून आया था 10 लाख जुर्माना वाला ड्राइवर के लिए, सहमत है? सहमत नहीं है उससे, सहमत नहीं है। आंदोलन करने के लिए हम लोग तैयार है उसके लिए। अच्छा जी, तो मोदी जी वो कानून लाए थे, अगर इस बार सरकार में आते तो वो कानून तो पक्का लागू हो जाना, ऐसा कहा जा रहा है? नहीं नहीं, फिर चक्का जाम होगा, तो उसी दिन चक्का जाम हो, पटना पुल के नीचे कूद जाएंगे। सरकार कोई नेता विधायक को उसको पटना पुल के लेके नीचे कूद जाएंगे, सरकार चलती, सरकार बन जाएगी तो उनके पास बहुमत होगा, वो तो नहीं बनेगा, नहीं बनेगा सरकार, इतना सरकार सस्ता नहीं है। कोई भी पार्टी का सरकार जो है ना अकेला बनने नहीं जा रहा है। मुकेश सहनी भी अब आ गए हैं राजद में, मुकेश सहनी भी अब प्रचार कर रहे हैं, ऐसा नेता सब इधर से उधर हो रहा है। अब देखिए जब तक चुनाव का फाइनल बिंगुल नहीं पुकाएगा अभी कुछ पता नहीं है। चिराग पासवान अगर राजद में आ जाए तो दिल से हम मर सके उनका बिल। चिराग पासवान को राजद में काहे लाना चाहते हैं? एकदम हम लोगों को पसंद है, दुए उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री, तेजस्वी मुख्यमंत्री या चिराग पासवान, मतलब दो युवा चेहरा है, चिराग पासवान तेजस्वी यादव, दोनों पसंद है। हाँ, दोनों काम करेगा, खूब काम करेगा। और नीतीश कुमार चचा के रिटायर करूँ, बहुत दिन रहा थी चचा, बर्बाद कर देते हैं। दारू बंद करे के उनका की रीजन है? पहले बेरोजगार के रोजगारी भूख के व्यवस्था करती थी ना, बड़का बड़का प्लांट खोलवाती थी, कुछ लड़का काम धंधा में लग जाती है। दारू बंद करे के की रीजन? इनसे बड़ा बड़ा स्टेट है ना, इनसे बड़ा बड़ा स्टेट है, कहाँ दारू बंद किए हुए है? चल जाइए दिल्ली, इनसे बड़ा है ना, मारे कंपनी है, बड़ा कारखाना है, झारखंड चल जाइए, ओकरा सके कितना रोजगार है? आ तब जो है उसे दारू चालू किया, ये कौन माने, देखिए एगो दारू का पैसा से पूरा जो है टीचर पुलिस विभाग सब पेमेंट हो जाता था ना, तो कम से कम जनता के तो जान बचता था। अभी बताइए कहला ही दारू बंद किए इनका से, कहो दारू बंद, आप लोगों का मेन मुद्दा है कि दारू चालू हो, दारू उनका बंद करे से कौन फायदा है? कोई फायदा
इतना जे आदमी जेल में गेल है उ जा इतना जे बड़का अथी सब छोट चुआर इतना जे माने जे बौआई चली जे बराबर जेल में से राजा हो गेले आ गरीब आदमी मर रहले है तो दारू को चालू करे जा बंद कर सब कौन ब्लैक में जो दारू बेच रहा है वो राजा हो रहा है तो क्या कीजिएगा अब देखे जो पीने वाला वो तो भाई 100 में मिले चाहे 1000 में वो तो पीबे करेगा पीबे करे और क्या बोलता था मुफरवा मुफरवा दारू सब पी पी करके अपना शरीर बर्बाद कर रहा है इतना आदमी मरा दारू से बताइए तनका दिन मर बताइए मर गया देखिए पीने वाला को कोई नहीं रोक सकता है दिन भर काम करके आएगा थकल रहेगा जिसको नींद नहीं पड़े दारू चाहिए अभी मिलेगा अभी मिल जाएगा अभी मिलेगा अभी मिलेगा ना चाहिए ना चाहिए अभी मंगवा देंगे ना 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 चाहिए चालू करवा दीजिए नहीं चाहिए भैया नहीं चाहिए दारू इतना कन्फर्म है कि अब जो भी मुख्यमंत्री बनेगा वो जरूर चालू करेगा आज के डेट में दारू वाइन शॉप खोल के नहीं बिक रहा है समझे ना होम डिलीवरी हो रहा है मिल जाता है पहले लोग दुकान फोन कीजिए आप कहाँ है तो यहाँ पे है बस पहुँच गया सही कह रहे हैं कि होम डिलीवरी हो रहा है दारू हाँ होम डिलीवरी हो रहा है मंगाए क्या कभी बहुत जगह मंगाना है बहुत और मंगाए हाँ इनसे पूछिए डर नहीं लगता है कि बंदी में पी रहे हैं पुलिस पकड़ कर लेगा होम डिलीवरी का बहुत दाम होता है होम डिलीवरी बहुत दाम लेता है पब्लिक की जो पकड़ेंगे पहले जो है प्रशासन को ना पकड़े प्रशासन बॉर्डर कैसे पार कर जा रहा है दारू अच्छा दारू बंद है तो बॉर्डर कैसे पार कर गया बॉर्डर कैसे पार हो गया भाई सोचने वाला बात है वही तो इसमें तो हम और आप लोग बुर्बक है जैसे जनता बुर्बक है ट्रक पास हो जाता है जैसे हाथ में छत्ता सत्ता लग गया ना तो बस बोलिए न बोलिए एक एक ट्रक यूपी से पास हो जाता है पिकअप से पास हो जाता है पूरा दारू एक एक ट्रक हाँ और प्रशासन कुछ नहीं कर पाता है आपको पता चल जाता है पता तो हर आदमी को हर जनता को पता है तो आता कहाँ से हम लोग को मिल कहाँ से रहा है वही बात जब जब आएगा नहीं तो हम लोग को मिलता कहाँ से बिहार में तो बन नहीं रही है तो कहाँ से आएगा सही बात है तो ये पलटू चाचा को इतना दिमाग कोई अफसर दिया होगा जो उतना आईएएस अफसर जो बैठ करके वहाँ सजेशन जो देते हैं वो अफसर भी पीता है दारू वो अफसर भी दारू पीता है तो वो अफसर तो वहाँ वो कहाँ जाके पीता है कहाँ जाके पीता है वो पकड़ता है जो दारू उसमें वो सारा जो है नष्ट हो जाता है उसमें से लेकर के पीता है दूसरा राज्य भी चला जाएगा ना दूसरा राज्य में जा करके पीता है आस पास में कितना का घर बना है सरकार के द्वारा यहाँ कहीं एको नहीं बना है सरकार घर बनाया चाचा आप लोगों का हम तो देख रहे हैं झोपड़ी है ये सब दिख रहा है तो वही ना बना है झोपड़ी बनाया है मोदी जी तो कहते हैं ना कि हमने घर बनवा दिया सब गरीब को अब कोई गरीब नहीं है देख रहे हैं ना गरीब नहीं है तो क्या हम कोनो अथी पर बैठे हुए हैं नहीं उनको लगेगा कि ये 1000 रुपए वाला गंजी है घरवा तो अपना ऐसे गंदा मोदी जी कहेंगे 1000 रुपए वाला गंजी है 1000 रुपए वाला गंजी है देख लीजिए ठीक कहते हैं वो तो गरीब कहते हैं गरीब खत्म हो गया आपको गरीब नहीं है भारत में सब कमा के खिला रहे हैं एकदम रोजगार दे दिए सबको पूरा रोजगार दे दिए अपना से कि कहने जोग नहीं हाँ अरे बाप रे बाप बैठ बैठ के खा रहा है आदमी आ भूखे मर रहा है इस बार कह रहे हैं कि 400 पार मतलब 400 सांसद बनेंगे इस बार 400 सांसद बनेंगे हाँ जीतेंगे उनके सांसद अरे बाप ऐसा बात ना होने वाला है ना ऐसा बात नहीं होने असंभव बात है असंभव 400 रुपए वृद्धा पेंशन में कुछ नहीं होता नहीं पड़ता महीना में अगर रोज चाय पीजिएगा तो क्या होता है 10 रुपए कप चाय है तब जोड़ लीजिए 300 के तो महीना ऐसे ही हो गया हाँ 300 के चाहिए पी जाते हैं 100 रुपया बचा क्या खाएगा तो सरकार से पूछे कभी सांसद से पूछे हैं पूछे क्या संघर्ष नहीं है तो पूछे क्या जब सांसद आता तो मिलने जाइए उनसे अरे मिलने जाइए आप पटना में मिलने जाए वो जितना वोट हम देते हैं तो हमारा अधिकार आपको आपसे सवाल करना वो ठीक है लेकिन अब पटना हम जाए अब उसमें खर्चा पटना नहीं जाना यहाँ आता है ना अभी तो आएगा ना अभी तो आएगा कि ना आएगा वोट मांगने तो आएगा ना आएगा तो उसका संसद सब आता है आदमी आता है कुछ नहीं इस बार पूछिएगा ना आएगा आदमी ना तो पूछ लेंगे ये आप किसका आदमी है हमको गांव में क्या क्या विकास हुआ ये तो फिर 5 साल में आप क्या क्या किया हमारे लिए क्या सवाल हमारे बच्चों को कितना रोजगार रोजगार दिया
कुछ नहीं है। कितना रोड बनाए, कितना सड़क बनाए, कितना क्या किए, रोजगार का क्या किए। हाँ रोड बन गया, आम जनता के लिए फायदा है, ठीक वो तो हर राज्य में है ना, लेकिन हम भूखे मर जाते हैं, रोड बनने से क्या फायदा है। साधारण है, वो 10 रुपया का बिजनेस करते हैं, वो हमको बेचने नहीं देता है पुलिस, पुलिस चोरा छिपा कर पेट चला। हाँ जी इसमें भी ये नीतीश का आ मोदी का काम है। चाचा फिर गुस्सा गए, क्या बोल रहे बताइए। अभी पुलिस आ जाएगा ना, सब भाग जाएगा। अच्छा डर के मारे, डर के मारे कहाँ भाग जाएगा, भाग जाएगा दौलत पैसा लेता है छोड़ देता है, घर में घुसेगा जितना हड़िया बर्तन है सबके फोड़ देगा, मार डंडा से फोड़ देगा। आप इधर है, इधर इधर है, इधर क्या कह रहे हैं। तारी भी गिरा देता है लोग, समझे, तारी गिरा देता है, बर्तन बर्तन फोड़ फाड़ के जाता है। हम की दारू है, नीतीश जी तारी बंद कर दिए। नहीं नहीं उनका तो नामो लेना बुझाई पूछिए कि माने महा बेकार है। इसका पैखाना करने वक्त भी नाम नहीं लेते हैं नीतीश बाबा, कहा है ना ना, उसका तो नाम नहीं लेते हैं। नाराज है, बिल्कुल नाराज है, वो तो कुर्मी घुर्मी लगा दिया सब, सब जाते पलटू राम है, पलटू राम वो कुनहरा घाट के डोम से भी खराब है। नहीं इसे मत बोलिए, बड़के ना कुनहरा घाट के डोम से भी बेकार है। आत्मा जा रहा हुआ तब ना बोल रहे हैं, जानते हैं, जानते हैं हमारा जैसा गरीब आदमी के धोखे ले गया, वहाँ दारू लिख दिया भैया, दारू लिख दिया कि बाल्टर दारू पाए, पैसा लिया 12,000 रुपया तब दारू से हटा करके, और तब जैसे हमको बेल हुआ, कोर्ट से बेल हुआ, इनसे सुनने दीजिए, कोर्ट से बेल हुआ, पैसा जैसे वो दूसरा दिन से कर्जा लिया गया हाजीपुर में, हाजीपुर में कर्जा लिया गया, और तब जैसे वहाँ घूस दिया गया चुप्पे, तब दारू हटाया और तब कोर्ट से बेल हुआ। ताड़ी पकड़ा, मेरा बात सुनिए, ताड़ी पकड़ा आपका, बोल दिया कि दारू बेच, दारू लिख दिया जाकर को वहाँ, दारू लिख आज कहा कि इतना पैसा दो, 20,000 रुपया दो तो दारू हटाएंगे। ताड़ी पकड़ता, ताड़ी नहीं लिखता, दारू लिख देता, पैसा पैसा कमाई के चलते, प्रशासन कमाई के चलते दारू लिख देता है वहाँ। ताड़ी लिखाएगा तो कैसे नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, वहाँ जाता है वहाँ 10,000, 20,000 रुपया दीजिए, और तब जैसे नाम वहाँ से हट गया, चुप्पे पैसा दो, चुप्पे दीजिए, चुप्पे हम लोग को ताड़ी बंद कर देवे, हमको हम लोग को नौकरी दे, रोड़ा टाड़ देवे, दर्ज रोड़ा हम लोग टाड़ेंगे, रेल का रोड़ा टाड़ेंगे। मनरेगा में नौकरी नहीं मिलता है, कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं है, हमको रोड़ा चाड़ने में देना देवे, हम तार गला चढ़ेंगे, कौन जरूरी है इतना रिक्स लेने का, गिरेंगे मर जाएंगे, बाल बच्चा कोनो हमारा देखने वाला होगा, कोई भुजरी भुजरी हो जाएंगे, गिरेंगे भुजरी भुजरी हो जाएंगे। बाप रे बाप, जनता बहुत नाराज है, सरकार देखे क्या क्या कहती है, हमने ये कर दिया वो कर दिया, नीतीश जी हो, मोदी जी हो, उनके मंत्री हो, सांसद हो, सब लंबा लंबा देते हैं, लेकिन जब जमीन पर आइएगा, गांव में लोगों से मिलेगा, तब असली गुस्सा क्या है, असली विकास क्या है, वो आपको दर्शन करने को टूट जाता है, प्रशासन जब आता है हम लोग खत्ते पड़ने भागते भागते जैसे कि कितना के मोबाइल फूट गया, कितना के गोद टूट गया, बेड पर तखना कर रहा, नारेबाजी नहीं, नारेबाजी नहीं, यहाँ पे कोई नेता नहीं, इसे नारेबाजी नहीं, आप जिसको वोट कीजिएगा कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नारेबाजी नहीं, हम जनता से बात कर रहे हैं तो नारेबाजी नहीं होनी चाहिए। इसका सरकार किसी को नहीं बोलेगा, काहे नहीं बोलेगा, बिल्कुल बोलना, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, नारेबाजी नहीं होनी चाहिए, नारेबाजी से परहेज होना चाहिए, आप लोग वोट कीजिए कोई दिक्कत नहीं है, जो भी हम लोग हैं उस समाज के कथन के मुताबिक क्या समझ में आ रहा है, जो क्या किया ना किया, कौन सा मोटरसाइकिल जैसे को गाड़ी मंगा करके यहाँ यहाँ के गांव के आदमी के मोटरसाइकिल ठड़ा था रोड के साइड में, पिकअप गाड़ी मंगवा करके ऐसे भाजा भाजा के गाड़ी लोड करके ले गया, कहे गाड़ियों ले गया, दारू पी रहा है, ताड़ी पी रहा है, गाड़ी उठा लेता है, गाड़ी उठा के ले गया, फिर गाड़ी के पैसा लिया 5,000, 10,000, तब जाके बेल हुआ था, छोड़ा है, ये उपद्रव है, हम लोग का इतना उपद्रव है कि जीना हराम, गांव में पुलिस का बहुत आतंक, बहुत आतंक है, अंत्यंत हो गया है, ज्यादा आतंक है, अंत्यंत हो गया सर। चलिए तो देखिए गांव में क्या माहौल है, गांव में क्या नज़ारा है, चुनाव है तो गांव पहुंचे हैं और लोगों से मुलाकात भी कर रहे हैं, उनसे पूछ भी रहे हैं कितना विकास हुआ है आपके हाजीपुर लोकसभा में, हमने पूरा मामला को समझा है और जाना है, और हम आपको वीडियो भी दिखा रहे हैं, हाजीपुर से अभी मौजूदा सांसद पशुपति पारस हैं, उनकी पार्टी को एक भी टिकट नहीं मिला है, चिराग पासवान को टिकट यहाँ से मिला है, अब वो देखना होगा रिजल्ट के दिन 4 जून को, यहाँ से जीतते हैं या वो हारते हैं,
और राजद से जो प्रत्याशी हैं शिवचंदर राम 2019 में उनको टिकट मिला था लेकिन दुर्भाग्यवश वो हार गए थे और पशुपति पारस की जीत हुई थी। इस बार देखिए क्या होता है, जनता का मूड जानना बहुत अहम जरूरी था। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।